गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। सो वो न्यू तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आई नो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को लें, वो लेना चाहते हैं, वो उसे यूज़ करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसा है, कैसा वर्क करता है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, सो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, उसके बगल में जो बेल आइकन है आपने उसे हिट कर लिया हो, और वीडियो आपको पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक भी कर दे और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। सो मैं बात कर रही हूँ बॉस स्किन साइंस अनियन ब्लैक शेड हेयर ऑयल की। सो आप देख सकते हो मैंने इसे कितना यूज किया हुआ। सो मैंने इसे लगभग आधा यूज कर लिया है, आप देख सकते हो। मैं इसे यूज करने के बाद आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप यूज करते हो उसके बाद ही आपको पता चलता है कि ये कैसा वर्क करता है, नहीं करता है। आपने कल खरीदा और आज उसका रिव्यू कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि एक दिन में आपको कुछ पता नहीं चलता है। सो मैंने इसे लगभग हाफ यूज कर लिया है। सो मैं अच्छे से बता पाऊंगी कि ये कैसा वर्क करता है। सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये आपको नॉर्मल एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में मिलता है, इसका जो अपर पैकेजिंग होता है। सो आपको देन आपको कुछ ऐसा एक प्लास्टिक का बॉटल रिसीव होता है, आप देख सकते हो। वो लॉक के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का कैप मिलता है जो कि इस तरह से ओपन होता है एंड देन बंद हो जाता है। सो ये टाइट है, ऐसा नहीं है कि ये लूज है, क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ एंड ये अभी तक लूज नहीं हुआ है। सो इसकी लॉक अच्छी है। सो इसके फ्रंट में आपको जो इसका नेम लिखा हुआ मिल जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है कि नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल फॉर सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। एंड यहाँ उसके नीचे आपको यहाँ पे उसके इन्ग्रीडियंट्स लिखे हुए मिल रहे हैं। देन ये क्या क्या करता है, उसके नीचे आपको ये क्या क्या करता है वो लिखा हुआ मिल रहा है। टाइम्स फ्रीज करता है, रिड्यूस हेयर लॉस करता है, बूस्ट ग्लॉस करता है एंड बैलेंस स्कैल्प। सो ये सिलिकॉन फ्री है एंड उसके नीचे आपको इसका वेट बता रहा है। सो ये 200 ml की बॉटल है, ये आप देख सकते हो। सो इसके बैक साइड में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, इसके जो भी डिटेल है वो अनियन ब्लैक शीड हेयर ऑयल के बारे में यहाँ डिटेल मिलता है, फिर किस तरह से इसे यूज करना है टिप भी मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको इन्ग्रीडियंट्स लिखे हुए मिल रहे हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है। सो इसके जो की इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि मेन यही है। विद आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, मोरोक्कन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, अनियन ब्लैक शीड ऑयल, टोकोफ्रिल एसिटेट एंड विटामिन ई एंड फ्रेग्रेंस। सो इसमें ये आपको इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं हम इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 599, जो कि बिट एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर हम बात करें टीनएजर्स की तो वो इसे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ऑयल पे 600 नहीं एक्सपेंड कर पाओगे। बट अगर आप इसे फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे अगर देखते हो, अमेजोन पे देखते हो, तो ये आपको डिस्काउंट पे हमेशा मिलता रहता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसे 50% ऑफ पे मंगवाया था जब मैंने ये ऑर्डर किया था। सो ये मुझे 300 का पड़ा था जब मैंने ये मंगवाया था ऑनलाइन, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। सो मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी पता नहीं डिस्काउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट फिर भी मैं डाल दूंगी, सो आप चेक कर लीजिएगा। बट अगर इसके वर्क की हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि आप प्याज का रस लगाओ, आप उसमें ये मिला के लगाओ, वो मिला के लगाओ। सो अभी के टाइम में इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। सो आप चाहते हो कि बिना मेहनत के आपको रिजल्ट मिले, सो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे नाइट में अनियन ऑयल के साथ मिक्स करके लगाती हूँ। सो दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ हाफ ऑफ अमाउंट में लेके, एंड इसे मैं स्कैल्प में अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आपके हेयर की जो आपके हेयर फॉल की जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो आपके जड़ से जुड़ी होती है। अगर आपका स्कैल्प से आपके हेयर का पकड़ मजबूत नहीं होता है, सो उस वजह से आपको हेयर फॉल का
हेयर फॉल को फेस करना पड़ता है। सो आपको क्या करना है कि इसे आपको अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है, आपको टिप ऑफ द फिंगर में लेना है एंड आपको अप्लाई करना है अपने स्कैल्प में एंड इसे अच्छे से मसाज करना है 5 to 10 minutes। अगर आप 5 minutes से मसाज करते हो तो बहुत है, बट आपको वीक में एटलीस्ट 2 times अप्लाई करना है ये ऑयल, सो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस ऑयल की सबसे अच्छी बात है ये है कि ये सिलिकॉन फ्री है, सो ये आपके हेयर को अच्छे से ग्रोथ देगा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड सबसे मेन प्रॉब्लम हेयर फॉल को भी स्टॉप करेगा। सो आपको ये जरूर लेना चाहिए क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। सो मेरे हेयर की जो लेंथ है वो इतनी ही है, मीन्स जब मैं इसे कट भी करती हूँ तो वो थोड़ा सा नीचे आता है एंड जो उसकी मेन लेंथ है वो वहां पे आके स्टॉप हो जाता है। बट अगर हम बात करें हेयर के टेक्सचर की तो उसने मेरे हेयर के टेक्सचर को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। आप देख सकते हो आज अभी मैंने जस्ट हेयर वॉश किया है, मैंने कोई भी सीरम वगैरह अप्लाई नहीं किया है अपने हेयर में एंड आप देख सकते हो कितना ज्यादा फ्रिज फ्री है ये, क्योंकि मैंने रात में ये अप्लाई किया था एंड उसके बाद हेयर वॉश किया है। आप देख सकते हो बहुत फ्रिज फ्री है एंड मेरी हेयर की लेंथ ज़्यादा नहीं है तो मैं कॉम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फिंगर की हेल्प से अपने बालों को ट्राई कर लेती हूँ। सो मैंने कॉम भी नहीं किया हुआ, आप देख सकते हो बिल्कुल भी फ्रिज नहीं है, कैन यू सी, बिल्कुल भी फ्रिज नहीं है और बहुत ही सिल्की फील कराता है। जब आप इसे अप्लाई करके आप हेयर वॉश करते हो आपको सीरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सीरम ही अप्लाई किया हुआ है हेयर वॉश के बाद। सो ओवरऑल मुझे इसका वर्क बहुत अच्छा लगा, इसने मेरे बालों में तो बहुत अच्छा वर्क किया है, इसके टेक्सचर को सही किया है। मुझे एक और प्रॉब्लम थी कि मेरे क्या स्प्लिट एंड्स हो जाते थे, बहुत जल्दी हो जाते थे, उसने मेरे इस प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक ठीक किया है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने हेयर को कट किया है बट अभी तक स्प्लिट एंड्स नहीं हुए हैं, सो इसने उस प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक ठीक किया है। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड ओवरऑल मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में मेरा जो रिव्यू है वो बहुत ही अच्छा है। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप ये प्रोडक्ट जरूर बाय करो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये आपके हेयर पे, बिल्कुल भी आपको ये निराश नहीं करेगा। सो गो फॉर इट एंड बाय दिस एंड इसका रिव्यू आप मेरे साथ शेयर करो कि आपको ये कैसा लगा। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।